प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास महाराज रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड का दोहा संख्या 9 और 10। दोहा संख्या 9 में यह वर्णित है कि जब लंकापति रावण अशोक वाटिका में माँ सीता के पास पहुँचता है तो तरह तरह का साम दाम भय भेद दिखाता है, लेकिन जगत जननी माँ सीता की नज़रें नीचे की तरफ झुकी हुई है और जब माँ से रहा नहीं गया तो जगत जननी माँ ने कहा, लंकेश्वर को एक जुगनू के समान संबोधित करते हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को सूर्य के समान संबोधित किया और माँ के श्रीमुख से ऐसा कठोर वचन सुनकर के लंकापति रावण क्रोधित हो जाता है और यहीं से ये दोहा संख्या 9 प्रारंभ होता है। तो आइए दोहा के माध्यम से सुनते हैं। आप ही सुनी खजो तसमा राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ियसी बोलायति खिसियान। अपने आप को जुगनू के समान और मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी महाराज को सूर्य के समान सुन करके लंकापति रावण तलवार निकाल लेता है जगत जननी माँ का वध करने के लिए। और आइए यहां से प्रारंभ होता है दोहा संख्या 9 का ये चौपाइयां। आइए चौपाइयों के माध्यम से श्रवण करते हैं। मंगल मूरति मारुत नंदन सकलय मंगल कुंडलि कंदन, ताते मम कृत अपमाना प्रतिहम तव शिर कठिन कृपाना, नाहि तसपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु पूज करी कर समदस कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा तठ असम्रवान पन मूरा, चंद्र हास हरु मम परितापम पति की राह अनल संज्ञातम, शीतल निशीतप हसी पर धारा कह सीताहर मम दुख भारा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहसी सकल निसी चरिन बुलाई, सीत
तहि बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहन माना मारब काली कृपाना मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूलनिकन। दोहा संख्या 10। भवन गयऊ दस कंधरा इहा पिशाच निवृंद सीतहि त्रास देखावहि धरहि रूप बहु मंद मंगल मूरति मारुत नंदन सकल अमंगल निकंदन। त्रिजटा नाम राक्षस एका राम चरण रति निपुण विवेका सबन बोली सुनायस सपना सीतहि से रहुही तपना सपने बानर लंका जारी जादू दान से ना सब मारी खरयारूढ़न गन दस सीसा तसीर खन बित भुज बीसा यही बीति सोता छिन दिस जाई लंका मनहुँ भीषण पाई नगर फिरी रघु वीर दुआई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारी तासु वचन सपटरे जनक सुता के चरण परे मंगल मूरति मारुत नंदन सकल मंगल मूरति।